से और ये है मेरी चाची। तो आज हम जा रहे हैं भंगेल, भंगेल में लगा है मेला, तो आज हम मेला देखने जा रहे हैं। आप हमारा पूरा ब्लॉग देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस टाइम हम ऑटो में जा रहे हैं तो ऑटो में बहुत सारे लोग आ गए, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा चार्ज हम पर बार्गेन करेंगे, नीचे को। हम ऑटो में बैठ गए हैं तो आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है और ठंडा बहुत मौसम है। तो बनते रहिए हमारे ब्लॉग पर, देखिए हम कहाँ पहुँचने वाले हैं अभी होटल में। क्या हवा चल रही है, आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में यहाँ का मौसम। देख सकते हैं मतलब यहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है, यहाँ को देखिए ऐसा लगा कि हॉरर शो में हम आए हो यहाँ पे। आज हम दशहरा का मेला देखने के लिए जा रहे हैं, ये ATS कंपनी है। कोमल मैं और कोमल की मम्मी जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत भीड़ हो रही है, आप देख सकते हो। हे भगवान।
मेरी नटी ने हम नोएडा पहुंच चुके हैं। वहां का मेला तो बहुत डेंजरस था। हम लोग हमारे वहाँ जाने तक सब खत्म हो गया था उधर। अब हम आगे इधर मार्केट में थोड़ा सामान वामान लेते हैं, फिर जाएंगे कमरे में। बच्चे घर में ही थे, बस मैं ही ना आई थी। अभी हम गोलगप्पे खा रहे हैं। कोमल भेलपुरी खा रहे हैं। यहाँ बेजीपुर का मार्केट आते आते यहाँ रूम पे कोमल की मम्मी और मैं खाली बेकार में जाना हुआ इधर पता ही नहीं था क्यों बोला है पाने। अभी रात के 10 बजने वाले हैं और हम कमरे में पहुँचने वाले हैं। मैं अभी कमरे में पहुँच चुकी हूँ। शिवा के लिए मैं ये गाड़ी लाई थी, अब इसको भी तोड़ देगा। और इसके बाद अभी यहाँ पे हैं, हाय हाय। इसके पापा कमरे में ही थे, मैं गई थी बस हो गया। मैं कोमल लोगों के साथ गई थी, शिवा भी कमरे में था, सोना सोई है। और कमरा एकदम फैला हुआ है, आप इग्नोर करना। और अब मैं भी पहुंच गई हूँ, कपड़े अपने चेंज करती हूँ। तो अब मैं भी इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैं छाया मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।